नमस्कार। केंद्र सरकार के आम बजट के बीच अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। उधर बजट में केंद्र सरकार ने नई कर व्यवस्था लागू की है। आयकर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। किसानों के लिए भी कुछ घोषणा है, लेकिन देखना होगा कि किसान इन घोषणाओं से कितना संतुष्ट होंगे। केंद्र सरकार ने 2023 के दौरान किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। 20 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई है। किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। मत्स्य संपदा की नई उप योजना में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।